ऊपर की छत पर आई हूँ, तब जाके तो लोड होनी शुरू हुई है, वरना तो लोड ही नहीं हो रही थी। और तरा भी हो चुकी है इस टाइम, मस्जिद से भी सब लोग नमाज़ पढ़ पढ़ कर निकल गए। ये बिल्कुल सामने ही मस्जिद है, तो पता चलता रहता है। ऊपर आई हूँ तो पता चल रहा, वैसे नीचे नहीं पता चलता। और ऊपर आई हूँ तो आवाज़ें आ रही थी, मस्जिद में सब लोग निकल रहे थे। तो ये देखो बंदर। हो कर रहे हैं, आ रही है आवाज। डर लग रहा कभी इधर ही नहीं आ जाए, जल्दी से लोड हो जाए फिर जाती हूँ नीचे। ये चांद रात का व्लॉग अपलोड हो रहा है गाइस, चांद रात का जा रहा है। देखो कितनी मेहनत चल रही है, व्लॉग अपलोड हो रहा है। 10:23 हो गए हैं, 63% हुआ है, 20 मिनट दिखा रहा है। अभी अपलोड हो जाता है तो फिर नीचे जाते हैं। सबसे ऊपर की छत पर आकर तो ये अपलोड होना स्टार्ट हुआ है, वरना तो हिल ही नहीं रहा था। बीच वाली छत पर, ये बीच की छत है, तो ये अंधेरा हो रहा है उस टाइम, तो यहाँ तो बिल्कुल हिल ही नहीं रहा था, 1% पे रुका पड़ा था। कितनी मेहनत होती है कि व्लॉग बन जाए, तो फिर एडिट करना होता है। 24 घंटे बस इसी में लगे रहते हैं। आप लोगों को लगता है कि 10 मिनट का व्लॉग है या 15 मिनट का व्लॉग है, क्या मेहनत होती है, लेकिन पूरा दिन व्लॉग बनाओ, फिर एडिट करो, रात को फिर डालो। यहाँ नेट कितनी प्रॉब्लम रहती है, या नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करो भाई, कितनी मेहनत चल रही है, खुद आप लोग देखो। अब ये देखते हैं कितना हो गया, फिर चलते हैं नीचे। अब ये हो गया है 91%, टाइम भी देखो 10:30 होने वाले हैं। यहाँ आई हुई हूँ मैं इतनी ऊंचाई पर, ये देखो इतनी ऊंचाई पर आई हुई हूँ गाइस, जब जाके तो ये अपलोड होना स्टार्ट हुआ है। अपलोड हो जाता है तो भाई चलते हैं फिर नीचे। अम्मी भी परेशान हो रही हैं कि ऊपर अंधेरे में अकेली परेशान हो रही है, और बंदर की खो अलग। क्या आप रात के 12 बजे देख पाएंगे, क्योंकि मैंने टाइम सेट किया था, इसी वजह से मुझे पता ही नहीं था कि ये किस टाइम अपलोड हो पाएगा। इस टाइम तो नेटवर्क का बहुत इशू रहता है, बिल्कुल हिलती ही नहीं है वीडियो, लेकिन मैंने कोशिश की, इसलिए मैंने टाइम रात का 12 बजे का डाला था कि आप लोग रात में जब सहरी में उठेंगे तो आप देख लेंगे, या जागते हुए भी होते हैं सब रात को 12 बजे तक तो देख ही लेंगे। इसलिए प्लीज़ सब लोग ज़रा सपोर्ट करें, देखें व्लॉग कि मैं कितने अच्छे अच्छे व्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और ये अब मेरा अपलोड हो गया है, तो चलते हैं अब नीचे। और यहाँ की भी लाइट ऑफ करनी, नीचे चली गई थी। मेरा हो गया है, अब चलाते हैं मोबाइल की। आ गए नीचे, ये भी नमाज पढ़ रही। अस्सलाम वालेकुम, सहरी का टाइम हो गया है और उठ गए हम। अब चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, हाथ धोते हैं पहले, वज़ू करते हैं। अम्मी भी उठ गई हैं। बाहर अंधेरा हो रहा है, ऐलान हो रहे हैं टाइम के। कितने बजे होगा अभी तो? पौने 4 हो रहे हैं, पौने 5 पे खत्म होगा। पौने 4 बजे, अभी थोड़ा दूर ऐलान कर रहे हैं ना, ऐसा साफ क्लियर नहीं आ रहा। लेते हैं और जित की नमाज अदा करते हैं, उसके बाद से भी करेंगे। अल्लाह।
1 घंटा 19 मिनट बाकी है। 1 घंटा 19 मिनट बाकी, 5:10 ऐलान हो रहे हैं। 1 घंटा 19 मिनट बाकी है और टाइम हो रहा 4:55। नमाज नमाज पढ़ ली है और मैं फिर से बाहर आई थी। नंबर जरा जगाते फिरते हैं सबको और खाना वगैरह भी ले लेते हैं। नमाज पढ़ लिए, हम देखते हैं कुछ खाने के लिए लगे चला। अंडे रख दिए थे तो बोलने के लिए कि बस सिर्फ रोटी मुझे खानी है नहीं, हाफ फ्राई कर लेते हैं। तो और ये हाफ फ्राई कर लिया था लेकिन ये तवे पे बहुत ज़्यादा चिपक रहा था। अब इसमें मैंने चीज़ लगा दी थी तो ये सारा टूट गया। अब दूसरा करते हैं, वो देखते हैं कैसा होता है। पता नहीं क्यों पहला हाफ फ्राई चिपकता ही है। अभी दूसरा लिया है, दूसरा रेडी कर रहे हैं। इस पर नमक छिड़कते हैं और चीज़ लगाते हैं इस पर भी। दूसरी साइड हमने ये कॉफ़ी रख दी थी, कॉफ़ी भी रेडी हो जाती है और हाफ फ्राई भी। अंडे छील लेते हैं, इतने अंडे छील के। और ये हमने हाफ फ्राई निकाल लिया था, अब कर लिए कॉफी। मम्मी अभी नमाज पढ़ रही है, नमाज पढ़ कर खाएंगी। इतने में ये एग ले लेती हूँ, सब्जी मैंने गर्म कर दी है, उसके बाद मम्मी भी खाएंगी। फिर लेकर चलते हैं और खाते हैं। एक अभी नमाज पता कर दे दो मम्मी खाना। रोटी फ्राई अंडा ले रही हूँ मैं।
नहीं करा था, मतलब सब्जी है शायद। हाँ सब्जी तो हैगी, थोड़ा एक अंडा कर रही हूँ साथ के साथ। मैंने देखी थी ना, मैंने रखी तलने के लिए बोलती हूँ तो मैं फ्राई कर देती। हाँ तो टाइम है काफी। नींबू पानी पीना भूल गए, अब थोड़ी देर में रुक कर पीऊंगी, उसी टाइम जब थोड़ा टाइम कम रह जाएगा तब लेती। शुरू शुरू में तो चिपकता, जब पहला एक डालो ना इसमें तो चिपक गया सारा। ऐसे करो ना, जैसे घी वगैरह रखो, डालो तवे के अंदर, थोड़ा नमक डाल लो उसमें हल्का, उससे कम चिपकता। अच्छा यही करती हूँ। दूसरा तो सही बन गया, लेकिन वो पहला वाला जो है चिपक गया। यही का मैं तो बस कॉफी ले ली और एग ले लिए। अब तुम तो मीठा खाओगे तो फिर वजन तुम्हारा फिर वजन बढ़ जाएगा। वजन पता नहीं क्यों बढ़ता अम्मी इतनी तेजी से, ये समझ में नहीं आता। अगर कोई कहेगा बेरों से कोई वजन बढ़ता, रात तो बेर दे दिए थे तुमने तो वजन बढ़ गया मेरा और कोई यकीन नहीं करता कि बेरों से कहीं वजन बढ़ रहा, समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं। हाँ कमेंट्स भी आते हैं अम्मी कि इस पे परिवान पे हैंडल तो लगवाओ। हैंडल रखा हुआ है, इसको निकल लिया था तो लगवा लो। कमेंट्स आया था उस पर भी कि हैंडल तो लगवाओ इसका फरीफान का। मैं कहा अभी तो काम चल रहा है बस ऐसी। व्लॉग भी कोई रात 12 बजे मतलब डाला था, बीच वाली छत पर नहीं हुआ अपलोड और सबसे ऊपर की छत पर जाकर हुआ, मतलब हिल भी नहीं रहा था, 0% पर ही था यहाँ बीच की छत पर। इतना नेटवर्क की मतलब यहाँ पर परेशानी रहती है। मैं तो कुछ खा भी नहीं सकती, ना फैन ना कुछ। वैसे अच्छे से कटेगा रोजा क्योंकि अभी ऐसी गर्मी भी नहीं है, थोड़ा प्यास ही लगती। अब तो पानी की भी कोई वो नहीं होगी ख्वाहिश। और अम्मी शरबत वगैरह तो बनेंगे नहीं इस बार इफ्तार में, नुकसान देगा ना, तो कोई बनाएगा ही नहीं। सादा पानी सही है इस बार। अब इफ्तार का कैसे करोगी क्योंकि इफ्तार में तो बस पानी, अम्मी तुम ही करोगी इफ्तार। अब मैं क्या लूंगी, ज्यादा थोड़े से फ्रूट ले लूंगी, मेरे तो फ्रूट भी नहीं है डाइट में। अब ले लेना, अब ये सारा दिन तो ऐसे हो ही जाएगा, फिर वजन बढ़ जाएगा। चलो देखते हैं जब इफ्तार का वो होगा कल, थोड़ा बहुत कर लेंगे रेडी, ज्यादा नहीं लूंगी थोड़ा सा ले लूंगी। टाइम भी बस थोड़ी देर में होने वाला है, अभी है काफी टाइम, पूरा कर लेते हैं। और ये अम्मी की सहरी आ गई है, खजला गोभी की सब्जी, रोटी थोड़ी तली थी हाफ फ्राई था और थोड़े से इसमें फैन भी मिक्स थे खजले के साथ। मुझे थोड़ा सा पानी दे देना। ठीक है मैं देती हूँ पानी, देती हूँ। 4:40 हो रहा है, 5:40 खत्म हो जाएगा, 5:10 पे है शायद खत्म। ये थी हमारी सहरी की रूटीन, और अजानें हो जाती हैं तो नमाज अदा करते हैं। जी अम्मी के लिए कबाब रेडी करते हैं, लाइट जला कर दिखाते हैं, ये रेडी हो रहा है, फिर अम्मी को ले जाकर देते हैं। बंद कर दिया है, जो निकाल देते हैं, हो गए कबाब। चटनी ले लेते हैं, मम्मी को देते हैं। लो मैं कबाब रेडी कर दिए मैंने,
ले लो आप। ये नींबू पानी लिया है, नींबू पानी पी लेती हूँ। टाइम भी बस होने वाला है, 10 मिनट बाकी हैं। देखती हूँ। छह मिनट बाकी अम्मी। तो 5:06 पे खत्म हो रहा। 5:06 पे पहले तो अलग बता रहे थे शायद, कहीं 5 मिनट बता रहे हैं, कहीं 6 मिनट बता रहे हैं। बस टाइम कम है, 4 मिनट है। अब पानी पी लो। हमने जो है तेरी भी खा ली है और पानी भी पी लिया है, टाइम भी पूरा होने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले 5-6 मिनट बता रहे थे, अब और भी ज़्यादा कम होगा। उसके बाद अजानें हो जाती हैं तो नमाज अदा करते हैं। ताला खोल देती हूँ, सफाई वाली आएगी फिर सुबह। अम्मी खत्म हो गया है सहरी का टाइम, बस सायरन होने लगे, टाइम खत्म हो गया, सायरन होने लगे। देखिए टाइम भी पूरा हो गया है, सायरन होने लगे। सहरी हमारी मुकम्मल हो गई है और टाइम भी खत्म हो गया है। अब अजानें हो जाती हैं तो नमाज अदा करते हैं और कुरान पढ़ते हैं, फिर आपसे सुबह को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। भाई मुझे तो नींद ही नहीं आ पाई, आज जो है पहला रोज़ा है। तो आप सभी यूट्यूब फैमिली को पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो, सबका अच्छे से रोज़ा गुजरे। और देखिए सुबह भी हो गई है, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए सुबह हो गई है और सफाई वाली भी आने वाली है। बहुत कोशिश की मैंने कि सो जाऊँ थोड़ी देर, लेकिन भाई नींद ही नहीं आई, क्योंकि अभी रूटीन जो है चेंज हुई है, एकदम से आदत होगी नहीं, धीरे धीरे ही जाके आदत होगी। तो और देखते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ी देर अभी रेस्ट करते हैं, सफाई वाली आ जाएगी तो फिर सफाई कराते हैं। थोड़ी देर फिर लेट है, लेकिन नींद नहीं आई तो फिर उठ गई थी मैं, और सफाई वाली भी आ चुकी हैं, सफाई कर रही हैं। अम्मी भी उठकर बैठ गई थी अब, और जो भी आज के काम होते हैं वो निपटाते हैं। मेहंदी कुछ इस तरह से रच गई, कलर अच्छा आया है मेहंदी का। वक्त आ गया है इस व्लॉग की एंडिंग का। तो व्लॉग हमारा पूरा हो चुका है और मेरा अभी इसके बाद आएगा इफ्तार का व्लॉग, वो भी मेरा बन गया है, सिर्फ थोड़ा एडिट अभी नहीं किया है। तो मैं कोशिश करूंगी कि कल तक आपके साथ में वो भी शेयर कर पाऊँ। और आप लोगों की पहली सहरी कैसी गई, अगर शेयर करना चाहें तो कमेंट्स में मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। एडिट नहीं हो पाया था इसलिए ये व्लॉग थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा तबीयत सही नहीं थी इसी वजह से, सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है और आँखों में दर्द हो जाता है एडिटिंग की वजह से। और अभी थोड़ा मेरा ऑपरेशन का भी इशू चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा एडिट नहीं हो पाया टाइम से। लेकिन आप देख लीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और पता नहीं क्या बात है, मैं इतने अच्छे व्लॉग आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, लेकिन चांद रात का मेरा इतना अच्छा व्लॉग था, लेकिन पता नहीं क्यों व्यूज़ इतने अच्छे नहीं जा रहे हैं, कहाँ कमी हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। जबकि मैं हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ, पूरा दिन इसी में हो जाता है कि हाँ कुछ अच्छा आप लोगों के लिए हम व्लॉग शेयर कर पाएँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि देखिए आपका कुछ नहीं जाता एक सब्सक्राइब करने में या एक लाइक करने में, आपका ना कोई टाइम ख़राब हो रहा है ना ही कोई आपका पैसा खर्च हो रहा है। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब या बेल आइकन वगैरह प्रेस करने में आपका क्या जाता है, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी और मैं आगे बढ़ पाऊँगी। वरना तो यही है कि पता नहीं कब तक मेहनत हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और पूरी वॉच किया करें वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग मेरा इफ्तारी का आएगा और बहुत जल्द आएगा वो भी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि कल तक मैं डाल पाऊँ।
बाकी देखते हैं क्या होता है। दुआओं में याद रखिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।